हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एसके में। तो आज हम देखेंगे आपको महाराष्ट्र में अगर इंजीनियरिंग या फार्मेसी के लिए एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको एक सीईटी का एग्ज़ाम देना होगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, उसके लिए एग्ज़ाम फॉर्म भरना है। अभी एग्ज़ाम फॉर्म का डेट आ चुका है, मैंने कि जैसे लास्ट वीडियो में आपको बताया था। तो आपको सिंपली वो एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरना है उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। इसके आगे भी जो भी अपडेट्स रहेंगे एग्ज़ाम के बारे में और एडमिशन प्रोसेस के बारे में, ये आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। सबसे पहले हमें गूगल पे जाना है, फिर महासीटी टाइप करना है। ये जो वेबसाइट आएगा mahaCET.org, इस पर क्लिक करो तो एक पेज ओपन हो जाएगा। ऐसा एक पेज ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है अंडर ग्रेजुएट टेक्निकल कोर्स में, ये टेक्निकल कोर्स का ये साइट है। तो बाकी जगह पे दूसरे कुछ सीईटी के एग्ज़ाम्स रहेंगे दूसरे कोर्सेज के लिए, तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा। हमें जाना है अंडर ग्रेजुएट टेक्निकल कोर्स में, तो अंडर ग्रेजुएट में MHT CET जो इंजीनियरिंग और फार्मेसी के लिए लेगा वहाँ पे आपको क्लिक करना है। फिर इस तरह से एक वेब पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। लेकिन याद रखो, आपके लिए जो डेट है 7 जनवरी से लेकर 29 फरवरी तक आपको ये एग्ज़ाम फॉर्म भरना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसका जो पेमेंट वगैरह है वो आपको भरना होगा। अगर आप लेट करते हो तो 1 तारीख से 7 तारीख तक आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा लेट फीस के साथ। लेकिन आपका जो बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है फरवरी में, तो उसके पहले अगर भरे तो अच्छा रहेगा। तो उसके पहले आप एग्ज़ाम फॉर्म भर दो, एडमिशन के लिए ये कंपलसरी एग्ज़ाम है। सीईटी या JEE दोनों में से एक एग्ज़ाम कंपलसरी है, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप दोनों एग्ज़ाम दे दें तो बेटर रहेगा। सो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन पे, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। एक बार यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाता है फिर आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। तो अभी हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। ये कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, आपको यहाँ पे ऐसा ईमेल आईडी डालना है, फिर आपको यहाँ पे OTP पे क्लिक करना है, फिर OTP आएगा आपके ईमेल पे। ईमेल पे जाके वो OTP आपको यहाँ पे ऐड करना है। सो इस तरह से आपको OTP ईमेल डालना है, फिर वेरीफाई बोलना है, ईमेल आईडी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली डन। अब हम डालेंगे हमारा मोबाइल नंबर, आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद OTP पे क्लिक करना है, फिर आपको ये यहाँ पे वेरीफाई OTP मोबाइल नंबर पे क्लिक करना है, फिर आपका मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन सक्सेसफुली डन हो जाएगा। अगर आपको पेरेंट का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, अगर नहीं देना तो इसको आप सिंपली अनटिक कर सकते हो। आपको यहाँ पे आपका नाम डालना है, फर्स्ट नेम, फादर्स नेम, लास्ट नेम, कैंडिडेट्स मदर नेम, और आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ ऐसे रहेगा, आपका जेंडर यहाँ पे लिखेंगे, आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, फिर आपका यूज़र नेम आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे एक केयर आपको लेना है कि यूज़र नेम आपको याद रखना है या कहीं पे लिख लेना है, लिख के रखना है। यूज़र नेम 4 कैरेक्टर से ज़्यादा और 15 कैरेक्टर से लेस होना चाहिए, और आपको उसके लिए पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड सेट करते समय आपको एक केयर लेना है कि उसमें कैपिटल लेटर होना चाहिए, मिनिमम एक लोअर लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर में @ हैश इस तरह से कुछ लेटर्स आ सकते हैं। तो आपका पासवर्ड जो है वो कॉमन नहीं होना चाहिए, कुछ अलग से पासवर्ड कॉम्बिनेशन बनाना है और वो लिख के रखना है कई अच्छी जगह पे, और वो शेयर नहीं करना है किसी के साथ। फिर आपको ये पासवर्ड जो आप यहाँ पे डालेंगे वही पासवर्ड आपको यहाँ पे कंफर्म करना है, और आपको यहाँ पे कैप्चा डाल के रजिस्टर करना है। जैसे आप यहाँ पे रजिस्टर कर लेते हो तो आपका यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो आपको यूज़ करके फिर आपको लॉगिन करना है। हमने इसके पहले ये रजिस्ट्रेशन यहाँ पे किया था। अब रजिस्ट्रेशन होने के बाद यहाँ से आपको लॉगिन करना है। सो लॉगिन करने के लिए आपको आपका लॉगिन आईडी जो हमने इधर क्रिएट किया था वो आपको यहाँ पे डालना है, पासवर्ड जो क्रिएट किया था वो यहाँ पे डालना है, और ये जो कैप्चा दिख रहा है ये एज इट इज यहाँ पे डालना है। तो उसके बाद आपको करना है साइन इन, फिर यहाँ पे माई एप्लीकेशन, चेंज पासवर्ड और लॉगआउट ऑप्शन है। तो आपको पहले एप्लीकेशन भरना है, अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है तो कभी भी कर सकते हो, ठीक है। तो एप्लीकेशन में यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए आप फॉर्म भर रहे हो CET 2020 का,
तो एमएचटी सीईटी है कि जो इंजीनियरिंग और फार्मेसी के लिए लगेगा, पीसीबी ग्रुप है तो फार्मेसी के लिए, पीसीएम ग्रुप है तो इंजीनियरिंग के लिए। अभी इस साल से फार्मेसी और इंजीनियरिंग के लिए अलग अलग से सीईटी होगा, अलग अलग ग्रुप से, कि जो ऑनलाइन रहेगा। सो हम देखेंगे अभी कैसा फॉर्म भरना है, तो हम उसको प्रोसीड करेंगे एमएचटी सीईटी 2020 को। फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि जो कि जनरल कैटेगरी के लिए और ओएमएस कैंडिडेट्स के लिए फीस रहेगा वो रहेगा 800 रुपीज़। बाकी के कैंडिडेट के लिए जो भी रिजर्वेशन सीट्स है या फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स है तो उनके लिए भी 600 रुपीज़ फीस लगेगा। सो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, दैट इज फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए भी फीस लगेगा 600 रुपीज़। सो ये आपको एक बार पढ़ लेना है ठीक से, ये मराठी और इंग्लिश दोनों में भी लिखा है, तो आप एक बार उसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद करेंगे प्रोसीड। आर यू वांट टू श्योर टू प्रोसीड? यस, ओके। अभी यहाँ पे आ रहा है क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर एमएचटी सीईटी 2020। ओके, हमें क्लिक करना चाहिए। कैंडिडेट्स फर्स्ट नेम, सेकंड नेम दैट इज मिडल नेम, पेरेंट्स नेम एंड सरनेम शुड बी हियर। आपको यहाँ पे ऐड करना है मदर्स नेम, जेंडर मेल और फीमेल। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ आपका ऐड करना है और आपका मोबाइल नंबर जो आपके आपने रजिस्ट्रेशन के लिए डाला था वो मेल, वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे ऐड करना है और ये ईमेल आईडी रहेगा आपका। फिर आपको एड्रेस ऐड करना है, यहाँ पे आपको एड्रेस ऐड करना है परमानेंट एड्रेस का स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, प्लेस, परमानेंट विलेज दैट इज द विलेज और वी कैन से होम टाउन अलोंग विद द पिन कोड। ये परमानेंट एड्रेस आपका सेम एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस है, तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर दूसरा एड्रेस है करस्पॉन्डेंस के लिए तो आपको अलग से यहाँ पे एड्रेस डालना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पे ऐड करना है इंडियन नेशनलिटी आपके पास है क्या, इसका मतलब आप इंडियन हो क्या, तो यस और नो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। सो यस हम क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे स्टेट ऑफ डोमिसाइल लिखना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ स्टेट, आप कौन से स्टेट से हो। अगर आप महाराष्ट्र से हो तो यहाँ पे क्लिक करना है, अगर आप महाराष्ट्र के बाहर से हो तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। लेकिन याद रखो, आपको अगर महाराष्ट्र स्टेट का दिखाना है तो आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट के हो तो आपके लिए ज़्यादा सीट्स रहते हैं, टोटल सीट्स में से 85% सीट्स महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए रहेंगे और 15% जो सीट्स है वो ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए रहेंगे। इसका मतलब अगर आप महाराष्ट्रियन हो तो आपको ज़्यादा सीट्स अवेलेबल रहेंगी। लेकिन इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे इसके बारे में मैंने दूसरा एक वीडियो बनाया है, वो एक बार देख लो। लेकिन आपको यहाँ पे महाराष्ट्रियन होने के लिए आपका मतलब कैंडिडेट का या फिर आपके मम्मी या पापा का किसी का तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट महाराष्ट्र का चाहिए। अगर ये तीनों भी नहीं है तो आपका बर्थ प्रूफ महाराष्ट्रियन है ऐसा कुछ आपको सर्टिफिकेट चाहिए, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट चलेगा, या फिर आपके अगर लिविंग सर्टिफिकेट पे प्लेस ऑफ बर्थ महाराष्ट्रियन महाराष्ट्र का लिखा है तो भी आपका चल सकता है। तो आपको यहाँ पे आपका कैटेगरी ऐड करना है। सो कैटेगरी ऐड करने के लिए एससी एसटी जो भी आपका कैटेगरी रहेगा, लास्ट ईयर से एससी बीसी और ईडब्ल्यूएस भी ऐड हो चुका है, तो अब हम देखेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अगर है तो उसको सिलेक्ट करेंगे। रिलीजन, जो भी आपका रिलीजन रहेगा वो आपको ऐड करना है यहाँ पे। सपोज ये ऐड कर दिया मैंने। आर यू अ पर्सन विद डिसेबल कैंडिडेट, दिव्यांग व्यक्ति हाथ का मतलब आप फिजिकली हैंडीकैप हो क्या, येस और नो। सपोज नहीं है, यहाँ पे आपको फैमिली का एनुअल इनकम ऐड करना है जो भी रहेगा। फिर आपको यहाँ पे आपका खुद का अकाउंट नंबर डालना है, नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, बैंक खातेदार का नाम,
फिर आपको यहाँ पे बैंक का नाम डालना है, बैंक ब्रांच जहाँ पे आपका अकाउंट है, यहाँ पे कैंडिडेट का ही बैंक अकाउंट डिटेल्स देना है, दैट विल बी बेटर। बैंक खात्याचा प्रकार मतलब टाइप ऑफ अकाउंट, सेविंग और करंट अकाउंट, तो जनरली सेविंग अकाउंट रहेगा तो आपको उसको क्लिक करना है। फिर बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड आपको यहाँ पे देना है। आपने 10वीं का एग्ज़ाम कहाँ से दिया था, कौन से बोर्ड से, स्टेट बोर्ड से या सीबीएसई से, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। 10 का एग्ज़ाम था वो कहाँ से दिया था, मतलब इंडिया से दिया था या बाहर से दिया था, इंडिया के बाहर से, वो आपको मेंशन करना है। तो आपने इंडिया से अगर दिया है तो उसको यस बोलेंगे। फिर आगे जाओगे, एसएससी सीबीएसई आईसीएसई क्वालिफिकेशन डिटेल्स, आपने जो 10वीं का एग्ज़ाम दिया था तो उसके डिटेल्स आपको ऐड करना है पहले। सो ये कौन से ईयर में आपने 10वीं का एग्ज़ाम दिया था, यहाँ पे आपको ईयर डालना है, सिर्फ ईयर डालना है, ईयर ऑफ पासिंग। यहाँ पे आपको बेस्ट ऑफ 5 के हिसाब से जो भी आपका परसेंटेज था वो परसेंटेज ऐड करना है। और आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपने कौन से स्टेट से ये एग्ज़ाम दिया था 10th का। तो आपने अगर ये महाराष्ट्र से दिया था तो महाराष्ट्र का ऐड करना है, या फिर जो भी आपका स्टेट रहेगा उस स्टेट का नाम आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सो समझो अगर महाराष्ट्र से एग्ज़ाम दिया है तो महाराष्ट्र पे क्लिक करेंगे। आपने कहीं से भी एग्ज़ाम दिया है तो कोई बात नहीं, आप एलिजिबल हो। अगर आप महाराष्ट्रियन हो तो 85% कोटा से एलिजिबल हो। अगर आप के पास महाराष्ट्र का कुछ प्रूफ नहीं है जैसे कि मैंने पहले बताया, तो आप 15% सीट्स में से एलिजिबल हो। यह आपका एग्ज़ाम कहीं भी होता है, महाराष्ट्र से होता है या बाहर से होता है, नो प्रॉब्लम। तो आपको ये जो 10वीं का आपका स्कूल था वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में था यहाँ पे ऐड करना है, तालुका प्लेस ऐड करना है, और ये स्कूल का नेम आपको ऐड करना है। फिर आपको यहाँ पे आपका जो 12वीं का एग्ज़ाम है इसके बारे में देना डिटेल्स देना है, एचएससी क्वालिफिकेशन डिटेल्स। यहाँ पे पूछा है कि आपने 2020 में 12वीं का एग्ज़ाम आप दे रहे हो क्या, तो यस आएगा। आप अभी इस साल अगर दिया है दे रहे हो एग्ज़ाम, तो अगर आपने लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिया है तो इसको नो आएगा। तो आप अभी एग्ज़ाम दे रहे हो, ये जो आप 12वीं का आपका कॉलेज है वो कौन से स्टेट में है, आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, तालुका प्लेस और नेम ऑफ द कॉलेज यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो आपको PCM और PCB दोनों में से कौन से एग्ज़ाम के लिए अपियर होना है वो आपको बताना है। अगर दोनों के लिए अपियर होना है तो आपको दोनों पे क्लिक करना है यहाँ पे, इंग्लिश और मराठी। तो आपको यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, आपको कौन से लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर चाहिए। तो जनरली सब हम इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ चुके हैं 12th क्लास, तो आपको इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट करना है। आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है कि आपको MHT CET जो है वो किस लिए देना है। तो उसका फर्स्ट प्रेफरेंस आपको सेलेक्ट करना है, समझो हमें इंजीनियरिंग के लिए करना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। सेकंड प्रेफरेंस आपका क्या हो सकता है, फार्मेसी, BSc ऑनर्स, BSc, BTech एग्रीकल्चरल, BTech फूड इंजीनियरिंग, BSc ऑनर्स एक्सेट्रा, BTech बायोटेक्नोलॉजी, BTech डेयरी टेक्नोलॉजी। तो इसमें से आप कुछ सिलेक्ट कर सकते हो, आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये सिलेक्ट करना ज़रूरी है। अगर आपका एडमिशन नहीं भी लेना है उधर, लेकिन आप सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज़ मैंने एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग या फूड टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आपको थर्ड प्रेफरेंस सिलेक्ट करना है। अगर आपका बायोलॉजी है तो फार्मेसी के लिए रख सकते हैं, या फिर आपको फिर दूसरा कुछ ट्राई करना पड़ेगा, नहीं या आपको अगर चाहिए तो लिख सकते हैं, या फिर आपको दूसरे जो चाहिए वो आप रख सकते हो। अगर आपको सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए सोचना है तभी आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसके बारे में आपने लिखा है तो इसका मतलब आपको उधर एडमिशन लेना ही पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बाद में की बातें रहती है, जब आपका मेरिट जब बनेगा उसके हिसाब से आपका एडमिशन होता है। अगर आपको इंजीनियरिंग पे फोकस करना है तभी भी आपको ये सिर्फ फॉर्मेलिटी करके ये सब कुछ देना है। तो CET एग्ज़ाम के लिए आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट में सेंटर चाहिए वो आपको मेंशन करना है यहाँ पे प्रेफरेंशियली। तो आपको ये नीचे प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, एग्री टू द फॉलोइंग कंडीशंस, ये आपको पढ़ना है। और
ये सबमिट करना है। तो इस तरह से फॉर्म सबमिट होने के बाद ऐसा आएगा, एप्लीकेशन इज सबमिटेड एंड एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आएगा। इसका मतलब उन्होंने सिर्फ अभी तक पर्सनल डिटेल्स ऐड किया है, अभी आपको आपका फोटो और साइन अपलोड करना है और फिर पेमेंट करना है। लेकिन याद रखो कि जब तक आप पेमेंट करते हो, पेमेंट करने के बाद आपको इस फॉर्म में कोई भी एडिट कहीं कर नहीं सकते, कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। इसलिए आपको अगर कहीं भी चेंज करना है तो दो तीन बार आप पूरे डिटेल्स चेक कर लो, जो भी भरा हुआ है वो करेक्ट है क्या नहीं। अगर इसमें कुछ करेक्शन करना है तो डायरेक्टली आप एडिट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे दिया है कि अगर आपने पेमेंट किया, पेमेंट के बाद इसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, इसलिए आपको केयरफुल रहना है। सो आपको यहाँ पे फोटो और साइन अपलोड करना है। तो आपके पास 50 KB से छोटा साइज़ का एक फ़ोटो रहना चाहिए और आपका जो साइन है वो 5 KB से लेके 20 KB तक ही चाहिए। और कुछ मेंशन किया है यहाँ पे कि जो भी आप फोटोग्राफ और ये सिग्नेचर अपलोड कर रहे हो ये सिर्फ JPEG फॉर्मेट में चाहिए, तो दूसरे कोई भी फॉर्मेट में वो नहीं चलेगा, सिर्फ JPEG फॉर्मेट में आपको ये सेव करके फिर सेव करना होगा, अपलोड करना होगा यहाँ पे। फिर आपको रिसेंट फोटोग्राफ मस्ट बी अपलोडेड बाय द कैंडिडेट ऐसा लिखा है, मतलब आपने पुराना फोटो नहीं अपलोड करना है, आपको एग्ज़ाम के लिए जाना है तो आपका आइडेंटिटी मैच होना चाहिए, इसलिए आपको यहाँ पे आपका जो सही फोटो है, नज़दीकी फोटो है, रिसेंट फोटोग्राफ है, वही आपको ऐड करना है। तो फोटो कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे फिर आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। फोटो सिलेक्ट करना है आपको यहाँ से, आपके जो भी फाइल्स है ब्राउज़र में आपके कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे, फिर आपको यहाँ से साइन अपलोड करना है क्लिक करके। सो ऑटोमेटिकली वो अपलोड हो जाएगा, अपलोड पे आपको क्लिक करना है, फिर आपको पेमेंट पे क्लिक करना है। तो पेमेंट करने के बाद आप ये जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में करेक्शन नहीं कर सकते। उसके बाद आपको ये व्यू एप्लीकेशन पे जाना है और आपका जो भी एप्लीकेशन किया हुआ है वो आपको देख लेना है। तो ये आपको कैंसिल नहीं करना है, एप्लीकेशन कैंसिल नहीं करना है। पेमेंट होने के बाद आपको ये रिसीट डाउनलोड करना है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इस तरह से आपका प्रोसेस हो चुका है कंप्लीट। अभी ये जो फॉर्म है आपको कहीं भी पोस्ट से वगैरह भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो इस एप्लीकेशन की एक कॉपी आपके पास प्रिंट आउट निकाल के रखो और मेल भी अटैच करके रखो। तो आगे के एडमिशन प्रोसेस के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपके कुछ सवाल है तो ज़रूर लिखिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।